So hello guys, welcome back to channel. Today we'll study about the peptic ulcer drugs classification. I have a mnemonics for you. तो उसके लिए आपको एक चीज याद रख लेना है, एक mnemonics. पहला जो major class है, major class में हम क्या रहेंगे कि हमें जाना है गुवाहाटी. गुवाहाटी जो नॉर्थ ईस्ट में है, वहां में गुवाहाटी से हमने गोवा लिया है. ठीक है, गोवा नहीं लिया क्योंकि हम गोवा भी जा सकते थे, बट ओ नहीं चाहिए, हमें यू चाहिए, तो मैंने गोवा लिया. तो उसमें एंटर करना है. ठीक है, एंटर गोवा. सो एंटर से यहां पे आता है एंटेरल एंटासिड. ठीक है, जी से आता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर. यू से आता है अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स. ए से आता है एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स. तो पहले देख लेते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर है, उससे भी हम कैसे याद रख सकते हैं. हम एक निमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हैं, वो है पापा, पी ए पी ए. फॉर पहला पी स्टैंड फॉर प्रोटोन पम्प इनहिबिटर. नाउ ए स्टैंड फॉर एंटी हिस्टामिनिक्स, एच टू वाला क्लास है यहाँ पे. पी स्टैंड फॉर अगेन प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, एंड ए स्टैंड फॉर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. तो पापा का जो प्रोटोन पम्प इनहिबिटर है, आपको ऐसे याद रख लेना है कि प्रोटोन जो है यहाँ पे पहले पी आर है, तो यहाँ पे जितने भी ड्रग्स है उनमें प्रेजोल लगते हैं. प्रेजोल पी आर है प्रेजोल में भी. तो जैसे ओमेप्राजोल हो गया, लेंसोप्राजोल हो गया, पेंटोप्राजोल हो गया, तो ये सारा ड्रग्स जो है ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर है. ठीक है, उसके बाद आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग. प्रोस्टाग्लैंडिन में जनरली नाम के बाद में ड्रग्स के ओ एल लगते हैं. ठीक है, यहाँ पे मिजोप्रोस्टल मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, दूसरा कुछ ड्रग भी है, फिलहाल मिजोप्रोस्टल से हो जाता है जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी होता है. फिर एंटी हिस्टामिनिक में आपको याद रख लेना कि टीडिन लगता है लास्ट में. टीडिन एंटी हिस्टामिनिक में, जैसे रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, रोक्सेटिडिन एक्सेट्रा. अब एंटीकोलिनर्जिक आप देख सकते हैं, तो एंटीकोलिनर्जिक के लिए आप याद रख लीजिए पीपी, दो पी है यहाँ पे. ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक के लिए एक है पिरिनजेपाइन और एक है प्रोपेंथेलिन. एंटीकोलिनर्जिक के लिए निमोनिक्स है दो पी. ठीक है, उसके बाद आते हैं एंटेरल एंटासिड. एंटेरल एंटासिड को हम दो मेजर क्लास में कैटेगराइज कर सकते हैं, एंड दिस क्लासेस आर, एक होता है सिस्टेमिक और एक होता है नॉन सिस्टेमिक. सिस्टेमिक एस से जा रहा है, तो आपको याद रख लेना कि छोडियम डेरिवेटिव होता है मेनली सिस्टेमेटिक में. दूसरा भी है हमें याद रखने के लिए निमोनक्स के थ्रू, तो हमने कहा कि सोडियम डेरिवेटिव वाला ड्रग्स जो है वो इधर में होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम साइट्रेट हो गया. अब नॉन सिस्टेमिक में सेम यहाँ पे जैसे हम सोडियम डेरिवेटिव कह रहे हैं, वहां पे ज्यादातर मैग्नीशियम डेरिवेटिव वाला ड्रग्स होता है. आप याद रख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, यू कैन रिमेम्बर इट. एंड उसके बाद जो हमारा मेजर क्लास है वो है एंटी हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी वाला ड्रग है. तो उसके लिए जो निमोनिक्स है वो है कॉलेज एटीएम, कॉलेज एटीएम. सो कॉलेज स्टैंड फॉर कोलोइडल बिस्मथ जो सब्सट्रेट है वो. ए स्टैंड फॉर एमोक्सिसिलिन, सिंस बैक्टीरिया है तो हमें मतलब एंटीबायोटिक चाहिए होगा. टी स्टैंड फॉर टेट्रासाइक्लिन, एम स्टैंड फॉर मेट्रोनिडाजोल एंड अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स. एंड दिस अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स इस दो नाम ही है, एक तो कॉलेज का जो कोलोइडल बिस्मथ सल्फेट है उसे मतलब सब्सट्रेट है उसे याद कर लेना है, और दूसरा एक ड्रग्स आता है सुक्रालफेट. ठीक है, तो ये बेसिकली पेप्टिक अल्सर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन था. उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा. धन्यवाद.